सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि तीन इमॉर्टल तियानगुई सेट के लोगों को मारने वाले थे, पर जुआंग ने उन्हें बचा लिया था और अपने डिसिपल के साथ तियानगुई सेक्ट में गया था, पर वहां के लोगों को पहले ही किसी ने खत्म कर दिया था। लुओ जियान ने उन्हें मारा था क्योंकि वो जुआंग का साथ देना चाहता था। जुआंग ने उसे आउटकास्ट इमॉर्टल्स के लीडर के पास भेजा था और उनसे तियानगुई सेट का गुलाम बनने को कहा था, पर उन्होंने ये बात स्वीकार नहीं की। लुओ जियान ने सभी को मार दिया था, पर लो लेवल के बाकी इमोर्टल ने खुद को तियानगुई सेट के प्रति सरेंडर कर दिया था। फिर अब हम देखते हैं कि तियानगुई सेट के सभी लोग तियानगुई सेट में होते हैं, जहाँ के ट्रेजर को इकट्ठा कर रहे थे। लुओ जियान भी वहीं मौजूद था। उसे एहसास होता है कि सभी बेनिश्ड डीमन उसके प्लान के मुताबिक यहाँ आ गए थे। टिंग फेंग, किंग यू और कोंगयांग को भी इसका एहसास हो जाता है कि काफी सारे डीमन उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। वो तीनों तेजी से बाहर तियानगुई सेट के गेट पर आ जाते हैं। काफी सारे डीमन जुआंग पर अटैक करने आ रहे थे और ने मेंगी नाम का डीमन लीड कर रहा था। किंग यू उन सभी से कहती है कि ये मेरे तियानगुई सेट का इलाका है, तुम सब लोगों को यहाँ आने की परमिशन नहीं है। मेंगी अपने सभी डीमन साथियों को रोक लेता है और किंग यू से कहता है कि हम सभी आउटकास्ट डीमन है, हम यहाँ जुआंग की तलाश में आए हैं और मेरा नाम मेंगी है। टिंग फेंग कहता है कि मैंने मेंगी नाम पहले कभी नहीं सुना। लुओ जियान कहता है कि लोअर वर्ल्ड से नहीं है, ये फॉलन मन और ग्रेट डेजोलेट इमोर्टल का एक क्रूअल पर्सन है, पर इसके पक्ष में काफी मूर्ख लोग हैं। किंग यू कहती है कि तियानगुई सेट के सामने कोई भी क्रूर नहीं हो सकता। मेंगी कहता है कि मैंने हमेशा से अपनी पावर पर भरोसा किया है, मैंने सुना है कि तियानगुई सेट के पास लॉन्गेविटी पिल है जिससे हम डीमन की लाइफ को बढ़ाया जा सकता है। मैं अपने सभी साथियों को यहाँ लड़ाई के लिए लेकर आया हूँ, अगर मैं जीत गया तो तुम मेरे सभी भाइयों को पिल दे देना, अगर मैं मारा गया तो तुम जीत गए तो मेरे सभी साथी लॉन्गेविटी पिल के बदले 100,000 साल के लिए तुम्हारे गुलाम बनने को तैयार होंगे। टिंग फेंग कहता है कि मैं लड़ने में एक्सपर्ट हूँ और वो तेजी से उन पर अटैक करने जाता है। कुछ डीमन टिंग फेंग पर अटैक करने बढ़ते हैं, पर टिंग फेंग अपने स्पियर से ही उन सभी इमोर्टल को दूर फेंक देता है। टिंग फेंग कहता है कि तुम सभी लोग इतने कमजोर क्यों हो, क्या ऐसा हो सकता है कि मैं ही अब बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन गया हूँ, और वो जोर जोर से हंसने लगता है। मेंगी को टिंग फेंग पर काफी गुस्सा आता है, वो तेजी से उस पर अटैक करने आता है। टिंग फेंग भी उससे फाइट करने लग जाता है। मेंगी टिंग फेंग से जीत नहीं पा रहा था, जुआंग भी उनकी फाइट देख रहा होता है। अब कुछ और डीमन मेंगी का साथ देने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। टिंग फेंग अपनी वॉइड ब्रेकिंग स्ट्राइक टेक्निक से मेंगी पर पावरफुल अटैक करता है, जिससे वो उन आगे आने वाले डीमन के साथ काफी दूर जाकर गिरता है। टिंग फेंग कहता है कि क्या अब और कोई भी मुझ पर हमला करना चाहता है। वो सभी डीमन एक साथ टिंग फेंग पर अटैक करने आते हैं। कोंगयांग को उसकी फिक्र होती है, इसीलिए वो आगे जाकर उन डीमन को जड़ देकर मार डालती है। टिंग फेंग कहता है कि मैं अभी तक फाइट से सेटिस्फाइड नहीं हुआ था, फिर तुमने इन लोगों को जहर क्यों दे दिया। इन डीमन से लड़ना काफी बोरिंग है, इन इमोर्टल और डीमन की पावर भी इतनी ज्यादा नहीं है कि इनसे लड़ने में मजा आए। मेंगी अपने साथियों को पीछे कर देता है और तेजी से अपनी सोर लेकर टिंग फेंग पर अटैक करने आता है। टिंग फेंग उसके अटैक को रोक लेता है और अपने स्पीयर से एक पावरफुल अटैक करके उसकी सोर्ड को तोड़ देता है, जिससे मेंगी को चोट लग जाती है। टिंग फेंग कहता है कि तुम्हारा वेपन टेरिबल था, पर अफसोस की बात है कि यह मेरे हेमवर्ली स्पीयर का मुकाबला नहीं कर पाया। बाकी डीमन अपने लीडर को संभालते हैं और कहते हैं कि हमें साथ मिलकर इन्हें खत्म करना होगा। मेंगी उन्हें पीछे हटने को कहता है और बोलता है कि मैंने तुम्हें बताया था कि आज की लड़ाई में भले ही मैं मरूं या जिंदा रहूं, पर तुम्हें मेरी बात माननी होगी। तो सभी उसकी बात मानकर पीछे हट जाते हैं। मेंगी टिंग फेंग से कहता है कि मैं तुमसे दोबारा फाइट करने के लिए तैयार हूँ। टिंग फेंग कहता है कि मैं भी बराबरी से तुमसे फाइट करूंगा, और वो अपने स्पेयर को अंदर रख लेता है। अब वो दोनों फाइट करने लग जाते हैं। मेंगी भी टिंग फेंग को काफी तेज पंच मारता है, पर टिंग फेंग अपने हाथों से उसके पंच को रोक लेता है और अपनी टिंग फेंग डिवाइन फिस्ट से मेंगी पर पावरफुल अटैक करने लगता है, जिससे मेंगी काफी दूर चला जाता है। टिंग फेंग अपने मास्टर को आवाज लगाकर कहता है कि क्या आपने देखा कि मेरी बनाई हुई
टिंग फेंग डिवाइन बिस्ट की पावर काफी भयानक है। कोंगयांग परेशान हुई कहती है कि इस मूर्ख ने अपने नाम पर ही टेक्निक का नाम रख दिया, ये काफी शर्मनाक है। मेंगी अपनी सारी डेमोनिक पावर को कंसंट्रेट करने लगता है जिससे वो सुप्रीम डिमन स्किल को एक्टिवेट कर लेता है और जुआंग की तरफ बढ़ने लगता है, पर किंग यू उसके आगे खड़ी थी। वो उस पर अपनी शॉर्ट पावर से अटैक कर देती है जिससे एक तेज एक्सप्लोजन होता है, पर मेंगी बच गया था और वो जुआंग की तरफ बढ़ने लगता है। किंग यू सुप्रीम शॉर्ट फॉर्मेशन को एक्टिवेट करके उस पर अटैक करती है। लियांशु भी अपने फ्लाइंग लाइट विंग्स टेक्निक से उस पर वार करती है। उन दोनों के अटैक की वजह से काफी पावरफुल धमाका होता है। लुओ जियान भी ये सब देख रहा था। वो कहता है कि मेंगी ने अपने सुप्रीम डिमन स्किल को एक्टिवेट किया, वास्तव में ये अपनी मौत से ये फाइट जीतना चाहता है। मेंगी लियांशु से कहता है कि तुम्हें सिस्टर जुआंग के साइड की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डिसिबल होगी। वो उसका हाथ पकड़ लेता है और अपनी डेमोनिक टेक्निक से खुद को एक्सप्लोर कर लेता है जिससे वो टेलीपोर्ट होकर जुआंग के पीछे पहुंच जाता है और जुआंग पर अटैक करने लगता है, पर लियांशु आगे आ गई थी। वो अपनी शॉट को उस पर पॉइंट कर देती है। वो उसे कहती है कि तुम क्रेजी हो, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरे मास्टर को मारने के लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं करोगे। मैंगी कहता है कि मैं हार मानता हूँ और मैं सिर्फ जुआंग को एक टोकन देना चाहता था। वो उस टोकन को नीचे गिरा देता है और बताता है कि इस टोकन में मेरे साथी इमॉर्टल्स और डीमन की स्पिरिट है और हम कसम खाते हैं कि अगर हम हार गए तो हम तियानलेन सेठ के गुलाम बन जाएंगे। किंगयू कहती है कि तुम गुलाम बनने की बात कर रहे हो जबकि तुम इमॉर्टल्स और डीमन का जीवन खत्म होता जा रहा था, इसीलिए हमारे तियानलेन सेठ को तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। जुआंग समझ जाता है कि लुओ जियान ने उन सभी को भड़काया था। वो लुओ जियान को अपनी पावर से अपने पास खींच लेता है और कहता है कि तुम मेंगी को मारना चाहते थे ताकि तुम तियानलेन सेठ को अपनी तरफ से मेंगी के सारे डीमन को गुलाम के रूप में हमें सौंप सको। मेंगी भी अब मरने लग जाता है क्योंकि उसने अपनी एसेंस को जलाकर किंगयू और लियांशु से फाइट की थी। जुआंग उसे एक लॉन्गेविटी पिल दे देता है जिससे उसकी उम्र 1000 साल तक बढ़ जाती है। वो काफी खुश होता है और कहता है कि क्या अब हम भी आपके तियानलेन सेट में शामिल हो चुके हैं। किंगयू कहती है कि तुम अपर वर्ल्ड के तियानलेन सेट के दुश्मन थे, फिर भी तुम हमारे तियानलेन सेट में प्रवेश करना चाहते हो। तो मेंगी पूछता है कि अब हम क्या करेंगे। किंगयू बताती है कि तुम्हें 1,00,000 साल तक हमारा गुलाम बनकर रहना होगा, बदले में हम तुम्हें जीने के लिए लॉन्गेविटी पिल देंगे। ये सुनकर वो परेशान होता है, पर अब उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। एंसेस्टर जुआंग ने हमें लॉन्गेविटी पिल दे दी है और आज से हम तियानलेन सेठ की आर्मी की तरह है। सभी डीमन इससे काफी खुश होते हैं और कहते हैं कि इससे हमें हर महीने काफी पैसे मिलेंगे, साथ ही अब हम जिंदा भी रह पाएंगे। मेंगी कहता है कि तुम गलत समझ रहे हो, हमें उल्टा तियानलेन सेठ को हर महीने 1,00,000 स्पीड स्टोन देने होंगे। तो सभी इससे परेशान होते हैं और कहते हैं कि इसका मतलब ये है कि हम सभी तियानलेन सेठ के गुलाम है। लुओ जियान जुआंग को रेस्पेक्ट देकर कहता है कि आप काफी वाइज हो। जुआंग कहता है कि तुम मेरे सामने अपने इस स्मार्ट एटीट्यूड का इस्तेमाल मत किया करो। लुओ जियान कहता है कि मैं तियानलेन सेठ की सेवा करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं आपके साथ कभी भी चालाकी नहीं कर सकता। जुआंग कहता है कि अगर ऐसा है तो तुम्हारे पास मुझे देने के लिए गुस्सा जरूर होना चाहिए। लुओ जियान कहता है कि आप काफी इंटेलिजेंट हो और वो अपने गुलाम बनाए हुए सभी इमोर्टल और डीमन को वहाँ लेकर आ जाता है जिसे उसने लॉन्गेविटी पिल के बदले तियानलेन सेठ का गुलाम बनने का ऑफर किया था। अब वो जुआंग को अपने पास मौजूद 3 जेट शार्ट दे देता है, यानी अब जुआंग के पास 6 शार्ट पीस हो चुके थे और अब उसे सिर्फ 3 और जेट पीस की तलाश थी। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।